हसनैन अंसारी और अंकित राठौर की अंतर धार्मिक विवाह को लेकर तेलंगाना बीजेपी विधायक राजा सिंह का एक वीडियो संदेश पोस्ट वायरल हुआ था। वीडियो संदेश में विधायक ने शादी को लव जिहाद करार देते हुए सीएम मोहन यादव से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था। जबलपुर के हसनैन अंसारी और इंदौर की अंकिता राठौर की अंतर धार्मिक विवाद को लेकर बवाल अब थमता नजर आ रहा है। मंगलवार को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जबलपुर पुलिस अधीक्षक को अंतर धार्मिक जोड़े की सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दे दिया है, जिससे अब दोनों युगल की शादी पर उठा तूफान थम गया है। गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो संदेश में तेलंगाना बीजेपी विधायक राजा सिंह को यह कहते हुए सुना गया था कि सीएम मोहन यादव और मध्य प्रदेश पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रदेश में लव जिहाद विवाह ना हो। वायरल संदेश को लेकर युगल ने सुरक्षा की गुहार लगाते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाई कोर्ट ने न्यायमूर्ति विशाल धगत ने पुलिस को अंतरधार्मिक जोड़े को सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दे दिए। न्यायमूर्ति धगत ने याचिकाकर्ताओं को अदालत कक्ष में बुलाया और दोनों याचिकाकर्ता के बयान दर्ज किए, क्योंकि याचिकाकर्ताओं के रिश्तेदार कोर्ट की कार्रवाई में व्यवधान डाल सकते थे। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति धगत ने कहा कि दोनों याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि वे पिछले एक साल से लिव इन रिलेशनशिप में है और शादी करना चाहते हैं। हाई कोर्ट ने आदेश में कहा कि उनका कहना है कि उन्हें पुलिस सुरक्षा दी जाए, अन्यथा महिला याचिकाकर्ता के परिवार के सदस्य उसे अगवा कर सकते हैं, जिससे उनके जीवन और अंगों को खतरा। हाई कोर्ट ने मामले में निर्देश देते हुए कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता संख्या एक और दो के चोटिल होने की प्रबल संभावना है, इसलिए जबलपुर के पुलिस अधीक्षक को याचिकाकर्ता संख्या एक को पुलिस सुरक्षा देने का निर्देश दिया जाता है। न्यायाधीश ने आगे कहा कि पुलिस की टीम महिला याचिकाकर्ता को उसके घर ले जाएगी और सामान इकट्ठा करने की अनुमति देगी। हाईकोर्ट द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक महिला याचिकाकर्ता का सामान इकट्ठा करने के बाद उसे एक संस्थान में ले जाया गया, जहां उसे आश्रय, भोजन और सोने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान किया जाएगा। अदालत ने कहा कि महिला 11 नवंबर तक वहां रहेगी और उसे परिवार के सदस्य या मुस्लिम व्यक्ति संपर्क नहीं करेंगे। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक इस अवधि के दौरान याचिकाकर्ता नंबर एक महिला याचिकाकर्ता से शादी करने के अपने फैसले के बारे में सोचने के लिए स्वतंत्र है। अदालत के आदेश में यह भी कहा गया है कि 12 नवंबर को विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी के लिए विवाह रजिस्टर के समक्ष उनका बयान दर्ज किया जाएगा। अदालत ने कहा कि महिला याचिकाकर्ता के मुस्लिम प्रेमी को भी सुरक्षा दी जाएगी और उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस उसे अज्ञात स्थान पर ले जाएगी। अदालत के साथ ही यह भी कहा है कि जब परिस्थितियां अनुकूल होगी तब उसके घर ले जाया जाएगा और परिवार के सदस्यों के साथ छोड़ दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति जबरन याचिकाकर्ता संख्या एक और दो से संपर्क करता और गलत तरीके से रोकने या आपराधिक बल का प्रयोग करने का अपराध करता है तो पुलिस अधीक्षक को ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करने और कानून के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि सोमवार को हिंदू सेवा परिषद के प्रमुख अतुल जेसवानी ने कहा था कि भाजपा विधायक राजा सिंह ने उन्हें एक वीडियो संदेश भेजा था, जिसके बाद उन्होंने जबलपुर कलेक्टर पुष्पेंद्र आहके से मुलाकात की और उनसे विशेष विवाह अधिनियम के तहत जोड़े के आवेदन को रद्द करने का अनुरोध किया था। बहरहाल आप क्या कुछ कहेंगे इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।